गाइस मम्मी की ये ना विटामिन सी वाली क्रीम ना खत्म हो गई, नाराज हो गए। मैं सनस्क्रीन लेके आया था मम्मी, मैं आपके लिए ये लगाया करो आप। और कोई नहीं है तक। कौन सी है आपके पास विटामिन सी वाली? वो खत्म नहीं हुई? ये रख लो ना, फिर ये लगा लिया करो। फिर रख ले, फिर लगा लिया करूंगी। अच्छा, कभी भी इसको अप्लाई करना है ना, इससे नीचे ना आप एक क्रीम की लेयर जरूर लगानी चाहिए। और मैं नहीं यूज करता इस चीज को, क्यों यूज करता हूँ ड्रॉप्स ऑफ लाइट की, सही है ये वाली। इसका एसपीएफ भी आता है, बट मैं क्रीम यूज करता हूँ। इस क्रीम को यूज करने के बाद वो वाली आप एसपीएफ भी यूज कर सकते हो, लेकिन मेरे को एसपीएफ नहीं लगाना नहीं लगता, क्योंकि ना ये सही है, इससे आता है चेहरे पे ग्लो। और फिलहाल आज ना नया वाला परफ्यूम भी लगाते हैं, क्योंकि आपको पता है कि काफ़ी टाइम से मैं ये वाला यूज कर रहा था अपना। कौन सा है ये? ब्लैक मस्क नाइट ब्लूम, बहुत अच्छी फ्रेगरेंस है। एक नया भी आया ये वाला, कौन सा है? बॉडी शिया, ये परफ्यूम ही होगा। मैंने मंगा तो लिया था, ऑनलाइन किया था ऑर्डर मैंने, बट जो भी है इसकी खुशबू मेरे को लगता है मैं ही गिर जाऊंगा। आप लोगों तक पहुंची है मामा जी के घर, क्योंकि हमारी कुछ प्लानिंग है वहाँ पे कि क्या क्या करना है, कैसे कैसे करना है। वैसे तो टाइम हो चुका है काफ़ी लेट, मम्मी कह रहे कि रहने दो, मैंने कहा कोई बात नहीं मम्मी चल पड़ो, कोई ऐसी बात नहीं। फिर मम्मी भी रेडी हो गई, मैं तो रेडी हो ही गया। और आज हमने खाया था सुबह ब्रेकफास्ट में, जो कि आपको पिछले ब्लॉग में मिल ही गया है, हमारी मैक्रोनी। कल मैं रेडी हो गया, वही वाला शूज रहा हूँ, कम्फर्टेबल है। मेरा ना लेग पेन करता था ना, तो थोड़ा सही है इसमें। और आज मेरे को एक कंटेंट भी मिल गया। वो क्या था कंटेंट? कहाँ से मिलता है आप लोग तो देते हो। एक कमेंट आया मेरे पास, वो कहता है कि दो लोगों की लाइफ है, दो लोग तो हो, घर में खर्चे ही क्या है, आपके पैसे बचते ही होंगे आपको। तो गाइस वैसे तो मैं इनको देखा कि ये मेरी ऑडियंस को भड़का रही है, तो मैंने इनको समझा कि इनको अब हम छुपा दें, बट इनको तो छुपा दिए, क्योंकि इन्होंने कुछ वर्ड ऐसे भी लिखे जो हमारे दिल पे सुई की तरह चुभ गए। तो फिर क्या हुआ, फिर मेरे को ऐसा लगा कि आपको रिप्लाई देना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप मेरे ट्यूबल सब्सक्राइबर, जो कि आप देखने आते हो मेरे को। मैं कहता हूँ आपको, आप जाओ, आप लोगों की ज़रूरत नहीं है मेरे को, मेरे को वही चाहिए जो मुझे पसंद करते हैं, जो मेरी अपनी ऑडियंस है। मेरे को किसी की ऑडियंस नहीं चाहिए जो मुझे प्यार करती है। मैं पहले भी बोल चुका हूँ बहुत बार कि आप कैसे आए हो कैसे नहीं मुझे नहीं पता, आप अंकुश को पसंद कर रहे तब आ रहे हो, अगर आप कोई और हो आप जा सकते हो। अब कैसे भेजूँ ना, मैंने आपको इनविटेशन दिया और नहीं भी, आप अपनी मर्जी से आते हो, बक बक करके जाते हो, है ना, फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन रिप्लाई देना ज़रूरी है। तो बात ये थी कि दो लोगों की। गाइस ये देखिए घर है ना, घर में बिजली भी चलती है, पानी भी आता है। पंजाब में बिजली पानी, हाँ ये भी लिखा था ना, बिजली पानी का तो कह रहे खर्चा ही नहीं है, पंजाब में सबसे महंगी बिजली है, बिजली का भी पानी का भी बिल है ना। चाहे घर में दो लोग रहें, चाहे घर में चार लोग रहें, चाहे छः लोग रहें, बराबर खर्चा आता है। उसके बाद रहती है चीज़ ग्रोसरी की, ग्रोसरी थोड़ी बहुत 500-700 हज़ार रुपये का फर्क पड़ता, कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, बाकी के सारे खर्चे होते हैं। अब कोई बीमार भी चल रहा होता है, कोई सही भी चल रहा होता है, कोई ब्याह फंक्शन फेस्टिवल, मिलना जुलना किसी के साथ, मेरा बाहर जाना है ना ब्लॉगिंग के लिए, कुछ बाहर भी चले जाना, कुछ एक्स्ट्रा खर्चे भी हो जाते हैं हमारे। और ये होते करके, ये तो आप लोगों को लगता है कि घर में खर्चे क्या होते दो लोगों के। हाँ मैं बहुत अच्छी अर्निंग कर रहा होता शायद, बहुत अच्छी सेविंग मैं अपने, आपने देखा कि अगर खर्चे नहीं होते मेरे पास वो, तो मैं शायद अपने लिए बहुत अच्छी शॉपिंग करूँ, नए नए कपड़े पहन के आपके साथ आगे हूँ। नहीं आता ना मेरे को पता, अगर मैं नए कपड़े पहनूंगा मेरे व्यूज़ भी आएंगे, लेकिन मेरे को सारी चीज़ें मैनेज करके चलना पड़ता है, खर्चे देखने पड़ते हैं। तो बहुत प्यार से आपको मैंने रिप्लाई दिया, क्योंकि आप मेरे अच्छे वाले सब्सक्राइबर हैं, और आप मुझे अनसब्सक्राइब तो चलो सब्सक्राइब तो किया नहीं होगा, बट देखने मत आया करो। अगर आपको लगता है ना कि आपको मेरी मेहनत नहीं लगती, तो कोई बात नहीं। मम्मी एक कमेंट आया था, कह रही आप दो लोग तो ना, बिजली पानी का खर्चा, घर में खर्चे क्या है दो लोगों के? अपन नेरे च रहते हैं, तो पंजाबी पंजाब में सब तो महंगी है ना खाना खाते, घर में खर्चा वही होता है। इसमें अब पूरा घर है ना, वही ऑलमोस्ट सेम खर्चे होते हैं, दो लोग और जुड़ जाए, छह लोग और जुड़ जाए, कुछ नहीं मतलब सफाई करना, मतलब नहीं ये सफाई नहीं है, कंटेंट भी तो यहीं से मिलता है, मतलब तो बाहर आ गए। हाँ मैंने भी कितनी बार सोचा, फिर मैंने सोचा कि आप लोगों को मैं दिखाऊंगा क्या है ना। चलिए मम्मी को अच्छा नहीं लगा, और मैंने गल तो कर दो, आप फिर उस टाइम कितना बधाना, काम कितना करना, यही स्टोरियां सुनानियां आई अपने को। बाकी तुम्हें पता गाइस मैं इदा दियां स्टोरियां नहीं सुनांदा, मैं मसाले सारे दिंदा तुहानू, रेसिपी अलग तरीके नाल दिंदा, अलग अलग तरीके नाल मैं वीडियोस बनांदा, ब्रेड दे रहे हो। चलिए छोड़ो इस बात को, तो ये होता है, मेरे को लगता है कि आप उनमें से हो जिन्होंने ना घर में कभी भी मेल के साथ ना कभी बात ही नहीं की होगी कि कितने खर्चे होते हैं। आपको ये लगता है कि मेल कर रहा है
तो आपको पता ही नहीं होगा, एक रुपया भी नहीं खर्च किया होगा, तो आपको ऐसे लगता होगा घर में खर्चे कुछ नहीं होते। अगर आप घर को मैनेज करोगे ना, फिर आपको पता चलेगा कि अकेले बंदे का भी कितना खर्चा हो जाता है, उसकी बीमारी का, उसके कपड़ों का, उसका कुछ कभी कुछ कभी कुछ और एक्स्ट्रा खर्चे होते हैं, बाहर चले जाएं वो खर्चे होते हैं, और तो और जी तो घर के खर्चे, हाँ कुछ EMI होती है बंदे के ऊपर, लाइबिलिटीज होती है, वो अलग से पे करनी होती है। शायद आपने कभी घर में एक रुपया भी नहीं खर्चा होगा, तो आपको लगता होगा कि घर में तो खर्चे कुछ नहीं होते होंगे कभी, यस आप सीख लेते होंगे। आप कभी अपने हस्बैंड से पूछना कि घर कैसे मैनेज करते हो, शायद आप हस्बैंड की फीलिंग को समझोगे, एक मेल की फीलिंग को समझोगे कि घर में खर्चे क्या होते हैं। थोड़ा ध्यान रखा करो घर में क्या क्या होता है। फिर भी शक्तिमान की तरह बागडोर संभाली हुई अपनी जिंदगी की स्ट्रगल वाली लाइफ को ना फेस कर रहा हूँ मैं। चलो फिर, गाड़ी भी एक घर है, इसके भी अलग खर्चे होते हैं, इसका अपने मेंटेनेंस के खर्चे, इसके टायरों के खर्चे, चलाई का खर्चा, तो जैसे बिजली पानी घर में चलता है, राशन चलता है, वैसे ही इसका भी है, और इसके ऊपरी खर्चे। कहते ना गाड़ी खड़ी खड़ी तो अच्छी लगती है, लेकिन चलाने में भी ये उससे ज़्यादा पैसा खाती है। इतनी इसकी EMI नहीं है जितना इसका चलाई का खर्चा है मंथली। इसमें फायदा क्या है, इसमें भी दो लोग हैं, चाहे दो लोग बैठ जाए चाहे पांच लोग बैठ जाए, पीछे तीन सीटें खाली है। ये मैंने बात ही क्योंकि कभी अपने मेल को पूछना, हस्बैंड को पूछना, भाई को पूछना कि घर ऐसे चल जाए, उसके ऊपर आती है ना बात, कोई ये तो करते कुछ नहीं, ये तो ऐसे, तो उसको बहुत लगता है कोई लेडीज करती है गलत। हाँ और फिर नहीं, उसने कमेंट किया ना, मैंने ब्लॉक, हाँ वही मैंने, उस जिसने किया हो ना उसको पता होता है। जब इन सारी चीजों के बीच में पड़ा हुआ फिर भी घर को अच्छी तरह से मैनेज कर रहा, जब उसके ऊपर ऐसी बात आती है तो बहुत लगता है। ऐसी बातें आप अपने हस्बैंड के साथ करोगे तो हस्बैंड को गुस्सा आएगा, तो फिर वो डोमेस्टिक वायलेंस कहलाएगा। इस हमारा जो पुल है ना अभी बना नहीं, लेकिन उद्घाटन हमने कर दिया, अभी होगा स्टार्ट, अभी लुक पड़ेगी इसमें, लेकिन थैंक यू भैया। और क्या बात है भाई, एंट्री होगी, सही हो गया ना, ये भी आ रहे हैं। हाँ, पहले हम इधर से आते होते थे, क्या बात है भाई, सही लग गया ना, इधर से बहुत मुश्किल लगा, पहले इधर से आते होते थे इतना मुश्किल होता था, अभी बस लुक वगैरह पड़ेगी, जल्दी एक महीने में ना रेडी हो जाएगा, फिर ऐसे जाएंगे हम। इस हम मामा जी के घर जा रहे हैं, लेकिन रास्ते से हमने फ्रूट लेना था, लेकिन ये सब्जी वाले भैया आ रहे हैं, अभी सब्जी ले ले। तो सब्जी में क्या होगा, जब हम रिश्तेदारों के जाना जाते हैं तो हम मिठाई लेके जाते हैं, तो क्या कहते हैं, ऐसे तो फ्रूट भी खरीद सकते हैं खुद, तो फ्रूट ही क्यों लेते हैं, ये ले लेते हैं खीरे, गाजर, शिमला मिर्च, कुछ भी, कद्दू ले चलते हैं। देखो घर में काम आने वाली चीज लेके जानी चाहिए, क्या गलत है इसमें, लेकिन पता नहीं इंसान क्यों। बट पीछे एक और आ रहे हैं भैया, क्रेप्स वाले भैया भी आ गए हमारे पास। भैया क्या हाल चाल, ठीक है भाजी। ये पपीता भी है, तभी है, और ये क्रेप्स कैसे भाजी, 100 रुपए है, 90 ला दूं। कोई बात नहीं गाइस, इन लोगों से क्या नेगोशिएशन करना है हमने, इनके जी लेने। और भाई साहब क्या हाल चाल, पहचाना आपने मेरे को, मैंने भी नहीं पहचाना आपको, पहली बार मिले हम ग्रेप्स लेने के लिए, ऐसे हंसी मजाक चलना चाहिए हमारा। तो बात है, आपने अंगूरों का बगीचा बनाया हुआ है, ये तो कितने के है सारे, करीब 80 80 मतलब 8000 के, ओके ओके, मम्मी पूरी रेडी फटाफट, और अंगूर खट्टे मीठे हैं, वो चेक ही नहीं करवाया आपने, एक चाहिए, बहुत बड़ा दिल है भाई साहब आपका, इतने बड़े अंगूर नहीं, एक चाहिए, एक चाहिए मेरे को, बहुत बड़े अंगूर है। पपीता भी लेना, वो भी ले लो 1.5 किलो। नमस्कार पंडित जी, नमस्ते मामा जी, बस बस नमस्ते मामा जी। फिलहाल बैठ के मैं ना यहाँ पे ना अपना वीडियो एडिट कर रहा हूँ, आपको पता है कि आपके अंकुश इतने प्रोडक्टिव हो चुके हैं, जहाँ भी चले जाए लेकिन अपना काम नहीं छोड़ेंगे। तो फिलहाल मम्मी सामने बैठे हुए, मामा जी भी बैठे हुए और मामी जी भी बैठे हुए, और कैसे सब, बढ़िया। और मम्मी ने गेड़ा दिया हुआ नमकीन के ऊपर, मम्मी कम खाना ठीक है, और ये तो बिल्कुल नहीं खाना, और ये मेरे को बहुत अच्छा लगता है, मेरा मन कर रहा है कि एक उठा के खा लूं आप लोगों के सामने। यहाँ पे आने का मेन मोटिव था कि एक डिस्कशन करना, वो हमारी जो ट्रैवलिंग प्लान बन रहा है ना उसके लिए, लेकिन अभी ना बीच बीच में है, लेकिन हम जाएंगे जरूर। और बहुत से लोग बोल रहे थे कि दही तड़का की रेसिपी बताना है ना, आज हम आपको दही तड़का की रेसिपी बताएंगे और आपके मुंह में चटकारे लगाएंगे। चटकारे मींस मतलब कि जैसे कोई खट्टी चीज देखते हैं तो मुंह में पानी आ जाता है ना, ये वाला चटकारा होता है पंजाबी में। टफी को आज 3 टीके लगवाए, 3 इंजेक्शन लगे उसको, एक्चुअली उसको एक दिन मेडिसिन दी थी मैंने, डॉक्टर को बुलाया था, लेकिन आज उसका फीवर चेक किया, 105 फीवर था, इसलिए थोड़ा सा बीमार चल रहा था। 3 इंजेक्शन लगे, बहुत बड़ी मुश्किल से लगाए इसको, लेकिन अभी क्या है विद इन 2 आवर्स वो कह रहे कि एकदम वो हो जाएगा नटखट। मैंने सोचा था कंचन के पार्सल दे दूंगा उसको, बट दिए नहीं अभी तक। आप क्यों नहीं रुके मामा जी के घर,
तभी भी बीमार है हमारे घर में कभी ना ऐसे एनिमल वगैरह रखा नहीं, लेकिन मेरे से ज्यादा मम्मी कह रहे कि इसलिए मैं मना कर रहे थे, ऐसे प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन क्या है कि हमसे कोई पाप ना हो, मतलब कि लंबी सोचो, वही ना सोच लो कि मम्मी ने अगर बोल दे नहीं रखना तो उस चीज को नेगेटिव तरीके से ले जाए। मैं चाहता था कि ले आऊं, लेकिन अब मेरे को लगता है कि हाँ भाई ये आगे बोलो, लेकिन उनका एक्सपीरियंस है, चलिए जो भी बढ़िया। लेकिन अभी मेरे से ज्यादा केयर मम्मी करते हैं, मम्मी इसलिए वापस टफी बीमार है, वहां पे भी यही बोल रहे थे कि टफी का ध्यान रखना पड़ेगा, ये क्या ये तो चला जाएगा। मैंने बोला भी कोई बात नहीं, मैं खाना वगैरह दे दूंगा, लेकिन क्या है कि मम्मी भी आ गए, उसको अभी अच्छे से हमने सबने मिलकर उसको 3 इंजेक्शन ठोके उसको उसके लक पे। और मैं आज ना उसको सोच रहा था कि एग लेके आऊं, फिर मैंने उन्होंने बोला कि एग नहीं देने इसको, ओनली दूध दो, दूध। अब गर्मी होगी ना, इसको थोड़ा सा दही दे देते हैं अभी। इतनी भारी चीज जो कोई बंदा बीमार होवे तू एकदम हल्की चीजें दे खाने वास्ते, दही देता हूं इसको थोड़ा सा, नाले दिल मन दूध 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 दे दे। मम्मी कौन सा देना, जग वाला देना पतीली वाला? जग वाला, जग वाला गाइस, जग वाला दूध देंगे हम तभी को करने जा रही है दही तड़का की रेसिपी, जो कि हम आपको दिखाएंगे। तो सबसे पहले इसमें हमने तेल गरम कर लिया, थोड़े से डालेंगे इसमें हम, जो मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं लगते, मेथी मेथी मेथी, लेकिन उससे पहले हम डालेंगे इसमें धनिया पाउडर, जो कि आ गया छोटे से चम्मच में। वह सबसे जल्दी बनने वाली सब्जी है ये, इसे हिमाचली सब्जी भी बोलते हैं, दही तड़का भी बोलते हैं, और हम रेडू भी बोलते हैं इसको, रेडू। भी जाएगा इसमें थोड़ी सी हल्दी पाउडर, उससे क्या होगा ना हमारे जो दही का कलर है वो बढ़िया हो जाएगा। मैं मसाला जल रहा है आपका? नहीं जल रहा है, ये देखो काला हो गया, बस ऐसे रखो आ रहा था, क्योंकि प्याज कच्चा कच्चा और मिर्च कच्ची कच्ची तभी मजा आता है इसको खाने का। थोड़ा सा ना इसमें मसाला जो हमने ग्राइंड किया अदरक और मिर्च का वो है। सबसे बढ़िया और हेल्दी फूड होता है और लाइट फूड ये हमारा नमक थोड़ा सा, क्योंकि ना मक्की की रोटी मैं कम खाता हूँ, मम्मी भी बनाते नहीं है, लेकिन घर में हो आपने पहले बहुत खाई मक्की की रोटी, अब नहीं खाते हैं ना, क्योंकि आपके पास साथ था ना, सब बन जाता है, अब बनता नहीं ना खाते हैं। साग नहीं है, साथ है। किसका? तो गाइस ये हो गया, अभी नहीं जा रहा है इसमें, लेकिन एक चीज का ध्यान रखना है इसमें, जो मैं कितनी बार बोल चुका हूँ, जब भी बनाता हूँ हमारा जो फ्लेम है ना वो लो करना है इसको, नहीं तो फट जाएगा ये। आज मैंने और मम्मी ने दोनों ने येलो येलो सूट डाले हैं, पता नहीं क्यों, नहीं सूट बोल रहा हूँ, मैंने टी शर्ट येलो डाली हुई है, मम्मी ने सूट येलो डाला, और हम खाएंगे भी आज येलो येलो है ना, नहीं देखा क्या बात है। और आज देवी है येलो येलो, वीरवार का, इसे येलो पहनते हैं ना, बृहस्पति जी का वार होता है, क्या बात है, क्या कॉम्बिनेशन बना कलर का, चपाती और साथ में थोड़ा सा अनियन और ग्रीन चिल्ली, कैसे भूल सकते हैं। बचपन में कहते थे कि मैं बहुत ज्यादा खाता था, लेकिन अभी तो जब दही तड़का होता है तब खाता हूँ, तब मैं थोड़ा सा तीखा हूँ। मम्मी कह रही कि आप मेरे तीखे लाल हो, हम खाते हैं और टेस्ट करके कितने बंदों के मुंह में पानी लाते हैं।